फिरोजाबाद से ब्रेकिंग न्यूज। थाना नारकी पुलिस और एसओजी टीम द्वारा फरार चल रहे बदमाश के साथ हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली, बदमाश गिरफ्तार। 3 अक्टूबर को थाना नारकी क्षेत्र के गांव गढ़ी कल्याण में ट्रैक्टर से कुचलकर की गई किसान की हत्या और 2 महिला कांस्टेबल को घायल करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को एनकाउंटर के दौरान किया गिरफ्तार। ये क्या है पूरा मामला? देखिए, हम लोगों को आज एक विशेष आसूचना प्राप्त हुई थी कि जौंधरी रोड नारकी पर एक संदिग्ध का मूवमेंट है। इस सूचना पर हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम, नारकी पुलिस तथा रामगढ़ पुलिस चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर दिखाई पड़ा, जिससे मुठभेड़ हो गई, जिसमें वो घायल हुआ। उसे तत्काल उपचार हेतु हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम इंद्रपाल बताया है। इंद्रपाल वही व्यक्ति है जो 3 अक्टूबर को गढ़ी कल्याण थाना नारकी में जो घटना घटित हुई थी, जिसमें यह मुख्य अभियुक्त था और यही ट्रैक्टर चला रहा था। इस घटना में एक रिटायर्ड हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर थे, उनकी मृत्यु भी हो गई थी। अभी इसमें 3 अभियुक्त शेष हैं तथा कुछ इसमें अज्ञात भी नामजद हैं, उनका भी हम चिन्हांकन कर रहे हैं। जो शेष हैं उनके लिए हमारी टीम लगातार काम कर रही है, शीघ्र ही उन्हें भी हम गिरफ्तार कर लेंगे और उन पर प्रभावी वैधानिक कार्रवाई कराएंगे। कोई पुलिसकर्मी घायल हुए थे उस घटना में? सर, उस घटना में हमारी 2 महिला कांस्टेबल घायल हुई थी और जिनका उपचार चल रहा है, उन्हें चोटें आई थी और शीघ्र ही वो भी स्वस्थ हो जाएंगे। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, JK न्यूज़।